Hello everybody, my name is Annie and I welcome all of you on An Academy. आज हम सेशन में एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. सेट का पेपर है, छत्तीसगढ़ सेट. अभी अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है. सो आज वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पेपर एंड वी विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट पेपर. सो इट दिस विल ऑल्सो बी अ गुड यू नो काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं. सो 100 क्वेश्चन का एक अच्छा रिविजन जो है वो आपके लिए होगा. उससे पहले लेट मी टेल यू दैट देर इज एन ऑफर ऑन गोइंग एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस ऑफर इज टिल July 27th. फ्लैट 50% ऑफ आपको NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन पे मिल सकता है. आप मेरा कोड यूज करिएगा AnnieM टू टेक द सब्सक्रिप्शन. तो जितना भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मेरे कोड यूज करने से मिल जाएगा. एंड यू कैन वॉच ऑल द क्लासेस, नॉट जस्ट पेपर टू इंग्लिश, बट यू कैन ऑल्सो वॉच पेपर वन बाई यूजिंग द कोड. ठीक है, अब मैं आपको सीधा ले चलती हूँ पेपर पे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पेपर एंड आई डोंट वॉन्ट कि हम टाइम बिल्कुल वेस्ट करें. अच्छा पेपर था. इट वॉज नॉट, आई वुड नॉट से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट और इट वॉज वेरी इजी. इट वॉज अ गुड पेपर ऑल इन ऑल. और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना लाइन बाय लाइन आपको हर एक यूनिट से प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे इस पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैच द इंडियन राइटर्स विद देयर वर्क्स. तो राइटर्स थे गिरीश कर्नाड, बादल सितार, विजय तेंदुलकर एंड सेन गुप्ता. और वर्क्स पगला कोड़ा, द स्टोरी ऑफ द रोड, द नॉटी डॉग एंड स्टोरीज, हयावर्धना, देन अर्ध सत्य, शांता, कोर्ट चालुआ है. काफी सारे ये वर्क्स हमने क्लास में किए हैं और जितने भी आपको इस पेपर में मैच द फॉलोइंग मिलेंगे ना, बहुत सिंपल है. एक दो वर्क से आपका सारा मैच द फॉलोइंग आराम से निकल रहे हैं. तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जैसे चलो सबसे इजी देखते हैं, गिरीश कर्नाड, हयावर्धना, ए का सी, तो दो ऑप्शंस में है. ठीक है, फिर कोर्ट चालुआ है तेंदुलकर, है ना, तो सी का फोर. तो इस तरह से ये भी फोर में है. अब सरकार पे आ जाएंगे तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी. तो गिरीश कर्नाड, हयावर्धना, बादल सरकार का वर्क है पगला घोड़ा, फिर विजय तेंदुलकर का वर्क है कोर्ट चालू आए, शांता, कोर्ट चालू आए, बहुत फेमस वर्क है, और क्या कहते हैं, सेन गुप्ता का वर्क है ये अर्ध सत्य. थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा. सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अर्थ सत्य नहीं, मैं बोलना चाहती थी द स्टोरी ऑफ द रोड. ठीक है, तो ये सेन गुप्ता का वर्क द स्टोरी ऑफ द रोड, तो आंसर आएगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पेरिपिटिया इज सीन इन ट्रेजेडी व्हेन देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एज. तो ऑप्शंस आपके थे, व्हेन अ रिच मैन बिकम्स पुअर, when the protagonist sees his mistake, when the protagonist undergoes a conversation of heart or conversion of heart hona chahiye, when the protagonist takes a course of action and it brings about the opposite of the expected result. So peripatia ek bahut hi famous word hai jo jab bhi hum plays shuru karte hain, especially criticism shuru karte hain, to ye word aata hi aata hai. Jaise Aristotle ko bhi padhte hain, to kya hota hai peripatia? इट्स अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, जो दिया भी गया है ना. अब चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखते हुए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है डी. जब एक प्रोटैगनिस्ट टेक्स अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी कुछ ऐसा करे, इट ब्रिंग्स अबाउट द ऑपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. सो देयर इज दिस सडन चेंज, यू नो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आल्सो. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, एरोपेजिटिका, एसी ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, The complete angler or the modest proposal. तो बहुत ही easy question है, answer is B. Essay of dramatic poetry, of course. जिसमें किसका work है? Can anyone tell me? Comment section में. Essay of dramatic poetry work है Dryden का, right? जिसमें interlocutors होते हैं, तो एक एक dialogue के form में इस work को लिखा गया है. Neander representing Dryden's viewpoint. The appropriate phrase to describe Ben Jonson's comedy is comedy of humors, comedy of manners, dark comedy, sentimental comedy. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा
पेन जॉनसन का वर्क है कौन सा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, वहीं से हमें ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जहां से कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का एक शुरुआत हुई. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब बेन जॉनसन कॉमेडी इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग, टेनीसी विलियम्स, आर्थर मिलर, यूजीन ओनील, लोरेन हैंसबरी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इवन इफ यू नॉट यू नो सैट फॉर दिस पेपर, बहुत जरूरी है कि आप हर एक ऑप्शन को ध्यान से करें. अभी तो मुझे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में एक्सट्रीम डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये सारे जितने भी जैसे ये राइटर्स के नाम है, इन सबको हम डिटेल में करेंगे अपने पेज कोर्सेज में. लेकिन अगर आप यूट्यूब लर्नर है, स्पेशल क्लास लर्नर है, तो आप लोग भी अपने आप से एक होमवर्क करें कि एक एक जो ये राइटर है, एक एक ऑप्शन है, अपना अच्छे से रिसर्च करें एक एक वर्क पे. बिकॉज अगर यहाँ पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं और भी पूछा गया होगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े ट्विस्ट करके इस पेपर में हैं, जो पहले नेट के एग्जाम में आए हुए थे. टेनीसी विलियम्स, आर्थर मिलर, यूजीन ओनील, लोरेन हैंसबरी, और लिस्ट बी में है डिजायर अंडर द एल्म्स, अ रीजन इन द सी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द ग्लास मैनेजरी, और ऑल माई सन्स. तो मैच करिए, आपको आंसर आएगा ए. टेनीसी विलियम्स ने लिखा था द ग्लास मैनेजरी, आर्थर मिलर ने क्या लिखा है, ऑल माई सन्स, यूजीन ओनील का वर्क है डिजायर अंडर द एल्म्स, ठीक है, और लोरेन हैंसबरी का बहुत ही फेमस वर्क है रीजन इन द सन. तो वहीं से इसी से आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. बहुत पता नहीं क्यों बच्चे ना नॉट देखना ही भूल जाते हैं, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, जीवी शॉ देखेंगे और सीधा देख लेंगे आंसर. सो विच इज नॉट अ प्ले बाय जीवी शॉ, द स्किन गेम. ऑप्शन है द स्किन गेम, द पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, बहुत फेमस वर्क है सारे जीवी शॉ के, और द स्किन गेम 1920, ऑलमोस्ट जो जीवी शॉ जब लिख रहे थे उसी टाइम पे ये जो वर्क है वो आया था, स्किन गेम, बट ये जीवी शॉ का नहीं है, ये किसका है, ये गैल्सवर्दी का वर्क है. ठीक है, नेक्स्ट, अगेन मैच द वर्क्स विद ऑथर्स. सो वी हैव जॉन वेबस्टर, अब ये रेस्टोरेशन से आ गया, विलियम कॉनग्रीव, फिर थोड़ा आगे शेरिडन और जे एम बैरी. The School of Scandal, The Little White Bird, Duchess of Malfi, The Way of the World. Way of the World किसको नहीं आता? So, Congreve का तो सीधा सीधा आंसर आ गया, Way of the World. मतलब B का 4. B का 4 एक ही ऑप्शन में है और देखने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा C. ठीक है, तो जॉन वेबस्टर का कौन सा वर्क है? Duchess of Malfi. Congreve का आ गया Way of the World. शेरिडन का आ गया आपका स्कूल फॉर स्कैंडल, स्कूल ऑफ स्कैंडल, और जे एम बैरी का वर्क है द लिटिल वाइट बर्ड. इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव अवेकन्ड डेथ. ये जो डायलॉग है वो कहां से लिया गया है, सोचो देखो एक बार. इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स, दिस इज फ्रॉम ओथेलो, इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव अवेकन्ड डेथ, ओथेलो ही कहते हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स. ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सैमुअल बेकेट, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस किड, ऑल वेरी फेमस ऑथर्स. स्पैनिश ट्रेजेडी, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, वेटिंग फॉर गोडो, एन आइडियल हस्बैंड. तो वेटिंग फॉर गोडो तो पता है, सैमुअल बेकेट, देखिए इससे हो जाएगा क्या. बी का 3, बी का 3, ओह तीन ऑप्शंस में है. चलो शी स्टूप्स टू कॉन्कर पे आते हैं. ऑलिवर गोल्डस्मिथ, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, सो ए का 2, ए का 2 दो ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें. तो अब ना ए है ना सी है, तो बी है या डी है. द स्पैनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड, बी का 1, डी का 1 है इसमें सिर्फ, आंसर आपका आ गया बी, राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज अ सोलिलोक्वी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सोलिलोक्वी क्या होता है. इतनी बार जब आप
ड्रामा करते हो तो ये टर्म आती ही आती है. ऑप्शन से स्पीकिंग डायरेक्टली टू ऑडियंस, डायरेक्टली टू सेल्फ, डायरेक्टली टू अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, और इट इज एन इंटरेक्शन अमंग कैरेक्टर्स. डी तो बिल्कुल ही नहीं है, इट इज नॉट एन इंटरेक्शन अमंग कैरेक्टर्स. व्हाट इज अ सोलिलोक्वी? सोलिलोक्वी होता है एक एक्ट ऑफ स्पीकिंग अपने ही थॉट्स को, लेकिन जोर से बोलते हैं, लेकिन अपने आप से बोलते हैं. जैसे कभी कभी अब हम चुपचाप बैठे हैं, हम कभी कभी खुद से बात करते हैं, जोर से नहीं करते, अपने अंदर करते हैं, लेकिन उस चीज को ड्रामा में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? ऑडियंस को तो सुनाना है ना. सो इट इज द पर्सन स्पीकिंग डायरेक्टली टू सेल्फ, ऑल्दो इट इज अलाउड एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी हियरर्स. स्पेशली कोई कैरेक्टर नहीं होगा सुनने वाला, तो इट इज यूजली टू सेल्फ. द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री वॉज कौन थे? एनीवन? ए के रामानुजन, के की दारूवाला, एलिजम एसिकेल और जयंता महापात्रा. इंग्लिश की बात हो रही है, याद रखना. जयंता महापात्रा, ओके. इफ यू ऑल रिमेंबर, डू राइट डाउन कि 1960 में किसको मिला था, फिर 64 में किसको मिला था. तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में. क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी होती है, आप सबको ये चीज पता है बहुत अच्छे से, ठीक है. तो जयंता महापात्रा को फॉर पोएट्री मिला था 1981 में, ओके. इन सबसे पहले अदरवाइज आर के नारायण को मिला था 1960 में फॉर द गाइड. निसिम एजिकियल को कब मिला है? 83 में मिला है. दारूवाला को कब मिला है? 84 में मिला है, ओके. ए के रामानुजन को मिला है 1999 में. तो ये आपकी क्रोनोलॉजी आ गई. और यहां पे क्वेश्चन में इंडियन पोएट पूछा है, तो ये आपने ध्यान रखना है. अब अगर आप बोलो फर्स्ट इंडियन टू विन साहित्य अकेडमी, वो कौन थे? वो थे आर के नारायण, इफ नथिंग इज मेंशनड, बिकॉज ही वॉन्ट इट फॉर हिज नॉवल. बट हियर इन द क्वेश्चन पोएट इज स्पेसिफिकली मेंशनड. तो पहली पोएट्री का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो जयंता महापात्रा को मिला था. इनका वर्क था रिलेशनशिप, उसको. ओके, whose statement is this? Next question. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It's a very, very famous statement. मतलब इस statement ने actually आग पकड़ ली थी, ऐसा बोल सकते हैं. The language I speak becomes mine. भारती मुखर्जी, कमला दास, मनोज दास और सरोजनी नायडू. It was कमला दास. इनका वर्क था ना इंट्रोडक्शन, उसमें शी सेज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेली डिसमिस्ड पोएट्री, शेली डिसमिस्ड कीट्स पोएट्री बाय सेइंग, इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस, कीट्स नेवर वॉज नॉर एवर विल बी अ पॉपुलर पोएट. शेली डिसलाइक्ड कीट्स पोएट्री, वाई? Shelley, because A, Keats' poetry is irrelevant. B, Keats' poetry is devoid of revolutionary spirit because Keats died young, or Keats too disliked Shelley's poetry. Two obvious options ko aap eliminate kar do. Isse koi matlab nahi hai bechara. Keats died very young. So what does that have to do with Shelley not liking Keats' poetry? Shelley too disliked Keats Shelley's poetry. Keats too disliked Shelley's poetry. Obviously, that's no reason. Now remember, Shelley was a revolutionary poet. बहुत सारे उनके works अपने revolutionary हैं, उनके बहुत सारे pamphlets हैं जो बहुत revolutionary हैं. Answer is B. पहला option भी बहुत ही बेकार है. Keats poetry is irrelevant. Irrelevant of what?
इररिलेवेंट टू व्हाट? नो, द पोएट्स हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आर, तो ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड. आपने लिस्ट देखनी है कि इनमें से कौन है जिसको मिला है. सरोजिनी नायडू, डब्ल्यू बी येट्स, कमला दास, टैगोर, टैगोर, एलियट, येट्स, हीनी, एलियट, येट्स, टैगोर, डायलन थॉमस, येट्स, एलियट, टैगोर, फिलिप लार्किन. द आंसर इज बी. एलियट्स को भी मिला है, टैगोर, एलियट, येट्स और हीनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट? या 15. तो अब आ गए आपके यहां पे शुरू होता है सर्टेन रीजन का क्वेश्चन. लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज. यस, आई होप यू कैन सी. इट सेज मेनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स इन्फ्यूज देयर वर्क्स विद एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिसिल्यूशनमेंट एंड डिस्पेयर. रीजन, द वेस्टलैंड सेट्स एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ रैंडम अल्यूजंस. तो दोनों ही ठीक है. असर्शन क्या कह रहा है कि बहुत सारे मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स जो है अपने वर्क में इन्फ्यूज करते हैं एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, वो आपको वेस्टलैंड में भी देखने को मिलती है, डिसिल्यूजनमेंट, डिस्पेयर. और वेस्टलैंड एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ रैंडम अल्यूजंस. वेस्टलैंड भी एंड होती है इन रैंडम अल्यूजंस, एंड दैट्स फाइन, दैट्स अ करेक्ट रीजन. बिकॉज वाई? बिकॉज वेस्टलैंड इज दैट काइंड ऑफ अ पोएट्री. Which ends, it's a modern British poetry. So, A. 16. Match the names of the poets with in column A with the poems in column B. So, column A mein hai W.H. Auden, W.B. Yeats, Rudyard Kipling, P.B. Shelley. All again famous writers. Or Easter 1916, Recessional, September 1, 1939, England in 1819. ईस्टर 1916 बहुत फेमस डब्ल्यू बी एट्स का वर्क है. तो बी का आ गया आपका 1. इसमें भी है, इसमें भी है. ये हो गए आपके एलिमिनेट, बच गए बी और सी. अब आपने और देखना कि आपको और कौन से इनमें से आते हैं. ऑडन का वर्क सितंबर. तो इस तरह से आपने हमेशा ही मैच द फॉलोइंग ऐसे किया करो एलिमिनेट करके, ठीक है. आंसर आपका आ जाएगा बी. तो ऑडन का वर्क है सितंबर 1st 1939, येट्स का वर्क आ गया ईस्टर 1916, रुडयार्ड किपलिंग का वर्क आ गया आपका रिसेशनल, और शेली का वर्क आ गया आपका इंग्लैंड इन 1819. नेक्स्ट, विल्फ्रेड ओवन, सेगफ्राइड सेसून एंड रूपर्ट ब्रूक आर रिगार्डेड एज इट्स अ, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, वॉर पोएट्स. है ना, ओवन, सेसून, ब्रूक आर ऑल वॉर पोएट्स. नेक्स्ट 18, मैच द लाइन्स ऑफ द पोएम्स. अब पोएट्री की लाइन्स हैं, मेरे कुछ नए स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम लाइन्स भी देखनी है क्या, लाइन बाय लाइन करना है क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ए, टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग दो आई स्टैंड इन माई चेन्स लाइक द सी. बी, बोर्ड यूनिफॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट डिस्पर्स्ड येट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड. See, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. This is a very famous work, sabko aana chahiye. Aur ye bhi, softly or softly we bear her along, she hangs like a star in dew of our song. Palanquin bearers, di wala. Aur ye aapka aa gaya wo, the road not taken, hai na? To C ka aa gaya aapka Robert Frost, Palanquin bearers, Sarojini Naidu ki hai. तो डी का आ गया आपका सरोजिनी नायडू. अब देखो इससे हो जाता है अगर. सी का फर्स्ट, तो ए में भी है और डी में भी है, तो बी और सी आपके एलिमिनेट हो गए. और डी का आपका सेकंड, तो आपका आंसर आ गया ए. जो फर्स्ट है, फर्स्ट वर्क आपका आ गया डार्लिन थॉमस का है ये, ठीक है. और बोर्ड यूनिफॉर्म नोइंग द घोस्टली सिल्ट, ये जो सेकंड वर्क है ये. अच्छा, जो फर्स्ट है ये क्या कहते हैं, सॉरी, फिलिप लार्किन का है ये. फिलिप लार्किन का कौन सा वर्क? फर्न हिल, अगेन अ वेरी वेरी फेमस वर्क, राइट. नेक्स्ट, ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल
एंड आफ्टर दैट द डार्क, आप देख रहे हो, देखो प्लेस से क्वेश्चंस आए, ड्रामा से, पोइट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल, एंड आफ्टर दैट द डार्क, एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क अगेन. हु रोट दीज लाइंस? These lines are of Tennyson. Crossing the bar, twilight and evening bell. Check करने दो एक मिनट. हाँ, crossing the bar, right? Twilight, sunset and evening star, and one clear call for me. And may there be no morning of the bar when I put out the sea to see. But such a tide is moving seems asleep, too full for sound and foam. When that which drew from out the boundless deep turns again home, twilight and evening bell, and after that the dark. And may there be no sadness of farewell when I embark. Where? Sea ki baat ho rahi hai. Fir aage time aur place ki baat karte hain. Choti si poem hai, bahut badi nahi hai. Next, a short poem that describes the personal thoughts and inner feelings of the author and usually has musical quality. Choti, personal thoughts, inner feelings, it's a lyric. Next, read the given statements and choose the correct option. A, a hero is a short story by R.K. Narayan. Okay. Swami is a young boy who loves going to school and dislikes to spend time with his friends. Ulta ho gaya. Swami loves to spend time with his friends. He doesn't like going to school. He's pampered by his grandmother, so he sleeps only by her side. Swami accidentally catches a thief by biting into his limb and crying out for help. कौन से options correct हैं आपने बताना है? आपका answer आ जाएगा. B तो गलत है ना? तो B तो true है ही नहीं. B true नहीं है. B true नहीं है. सीधा answer आ जाएगा C. A, C, D are true, B is false. Which of the following options shows the order of publication, chronology, of novels by Chimamanda Ngozi Adichie? Half of a Yellow Sun, Purple Hibiscus, Americana. ये तीन works हैं, इनके आपने chronology देखनी है. आपका answer आ जाएगा D. Purple Hibiscus, 2003. Half of a Yellow Sun, 2006, or Americana, 2013. Which of the given statements does not show the attribute of the novel Brave New World? So, Brave New World ke baare mein aapne batana hai isme. It is a novel by Aldous Huxley. It is a novel by H.G. Wells. It was published in 1932 and it was a dystopian novel. It was published in 1932 and it was a picaresque novel. Simple hai. H.G. Wells ka hai aur dystopian work hai. Hai na? Ab option kya hai? The question kya hai? Which of the following does not show the attribute? Aapka answer kya aa gaya? Ulta bol diya maine. H.G. Wells ka nahi hai, Huxley ka. आंसर आ गया बी एंड डी, राइट? बी एंड डी. सो इट इज नॉट अ पिकरेस्क नॉवल, करेक्ट? तो देखो ये जो मेजर वर्क्स है ना, अभी तक एटलीस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं क्रोनोलॉजी के या फिर डेट्स के, ज्यादा से ज्यादा जो आते हैं वो मेजर वर्क्स के आते हैं अभी तक. यस ऑफ कोर्स वन और टू विल बी आउट ऑफ द ब्लू, वो हमेशा ही आएगा, बट एटलीस्ट जैसे ये वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अब इसकी आपको एटलीस्ट डेट ऑफ पब्लिशिंग याद होनी चाहिए. एल्डस हक्सली का ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन 1932. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इस सबकी समरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में क्या क्या है. द स्टोरी इज सेट इन आयमेनन केरला. अमू इज द मदर ऑफ Rahel and Estha. Velutha dies by drowning in the river. The line, only that once again they broke the love laws that lay down who should be loved and how much, forms part of the novel.
देखो, यू टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी को एलिमिनेट कर देंगे ना, सी इज फॉल्स। आंसर आ गया बी। ए बी एंड डी आर ट्रू, बाकी सब तो ठीक है। आई मैन में एक स्टोरी है, अमू इज द मदर ऑफ, ये जो दो बच्चे होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, वेलुथा डजंट डाई बाय ड्राउनिंग, वेलुथा बिलोंग्स टू दैट लोअर क्लास, एंड एंड दैट लाइन ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नॉवल। इन द शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? टोबा टेक सिंह इज द नेम ऑफ अ टाउन। द स्टोरी इज अबाउट बिशन सिंह। बिशन सिंह हैज द मिस्टीरियस, यू नो, जिब्रिश, ऊपर दी गुड गुड दी एन एक्स द वे ध्याना द मूंग द दाल ऑफ द लालटेन। बिशन सिंह डाइज इन नो मैंस लैंड। सब ठीक है। टोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी किसकी है? मंटो की। पार्टीशन का एक बैकग्राउंड सेट करते हुए टोबा टेक सिंह, बिशन सिंह उसमें होता है जो एक मेंटल असाइलम में होते हैं, और वो उसकी वजह से इस तरह का एक किब्रिश वो बोलते हैं। एंड ही डाइज वेयर? इन द नो मैंस लैंड। वो दोनों कंट्रीज के बीच का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, इन द नो मैंस लैंड। जब पार्टीशन हो जाता है तो ये बिशन सिंह एंड अमंग, यू नो, विद अलोंग विद बिशन सिंह मेनी अदर्स आर इन द मेंटल असाइलम। उनको अंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। पार्टीशन हो गया और कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग वहां चले गए, तो ये कहाँ जाएंगे अब? इनको पता नहीं इनका घर कहाँ है। इंडिया में था अभी तक तो, पर अब कहाँ है? तो बहुत एक मैक्सिमम ऑफ मंटो स्टोरीज आर लाइक दैट, यू नो, हार्ट ब्रेकिंग। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉवल फैंस एंड लवर्स बाय डी एच लॉरेंस? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। बहुत बार एग्जाम में डी एच लॉरेंस से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्रोनोलॉजी पे हो, चाहे मैच द फॉलोइंग पे हो। तो द नॉवल हैज ट्रेस ऑफ ईडिपस कॉम्प्लेक्स। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल विलियम्स रोमन। द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1913। द नॉवल इज सेट इन बर्कशायर। It is not set in Berkshire. It is set in Nottinghamshire. Nottinghamshire. So A, B, C तो ठीक है, और पूछा है not true, right? So D. Next, read the following statements carefully and choose the correct option. Crime and Punishment is a novel by Vladimir Nabokov. No. Crime and Punishment is a novel by Dostoevsky. Yes, Raskolnikov is a protagonist. It was first published in the journal Morning, the Russian Messenger. Correct. A to galat hai. Correct options choose karna hai aapne. B, C, D are true. Next, what is the complete title of the novel Tom Jones? History of Tom Jones, History of Tom Jones, a Foundling. Life and History of Tom Jones, Life and History of Tom Jones, a Foundling. The correct answer is History of Tom Jones, a Foundling. Read the following statements about the novella Metamorphosis by Franz Kafka and choose the correct option. Gregor Samsa is a journalist by profession? No. Gregor is a salesman, right? He wakes up one morning to find himself transformed into a monstrous vermin. Greta Samsa is his mother. No. Joseph K is also a character in the novella. No. Joseph K to trial mein, a very famous character. Hai na? To aapka answer aa gaya B. Only B is true. Next, match the characters. Kitne characters hain? Charles Bingley, Eva Peace, Stephen Dedalus, Clara Doss, Ulysses, Sons and Lovers, Pride and Prejudice, Sula. तो Stephen Dedalus तो बहुत famous Ulysses के हैं. C का one. ये एक से जाना था यार ये तो.
ना चार्ल्स पिंगले आ गए आपके प्राइड एंड प्रेजुडिस, ईवा पीस इज इन सुला एंड क्लारा डॉस इज इन सन्स एंड लवर्स. ओके नेक्स्ट 31. मैच द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विद एसे. अब ये देखो नॉन फिक्शन पे यहां से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट. जितने नाम आएंगे उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है बाद में. अब चार ऑप्शंस में छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट दिए हैं, आपने ऐसे को आइडेंटिफाई करना है. नंबर वन, अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड प्लेजर डॉट एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मेन्स माइंड वेन ओपिनियंस फ्लैटरिंग होप्स फॉल्स वैल्यूएशंस इमेजिनेशन एज वन वुड बट इट वुड लीव द नंबर ऑफ मेन पुअर श्रंकन थिंग्स फुल ऑफ मेलनकोली एंड इनडिस्पोजिशन. Can you guess? B. And he used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy, for he was good bit older than me, many a mile when I could not walk for pain. C. Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. And fourth, D. Marriage by its best title is a monopoly and not of the least invidious sort. Aur options mein kya kya hai? A bachelor's complaint against the behavior of married people. Kitna ye seedha seedha ek aapko hint hai. Of studies, of truth, dream children. Dream children se kai baar question aaya hai. Aap of truth ko bhi badi aasani se match kar sakte ho, ek baar dekho. The answer is option B. As I said, a mixture of lie. Jahan lie, wahan truth. A ka aagya off truth. Sorry, haan, off truth. Phir B ka aagya aapka dream children. He used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy. C ka condemned studies, off studies. Bahut simple match the following hai. Even if you don't know, you can just simply use your little brain and answer them. Next. Read the following passage carefully and mark the correct answers. Again. Does I live in the world rather as a spectator of mankind than as one of the species? By which means I have made myself a speculative statesman, soldier, merchant and artisan, without ever meddling with any practical part in my life. So these lines are taken from where? The Spectator's Account of Himself by Joseph Addison. I live in the world rather as a spectator of mankind. One second. Next. G.K. Chesterton's prose style is best described by which of the following features? Ab ye writers jo non-fiction ke dekho ye sare chal rahe hain, non-fiction ke questions. G.K. Chesterton ka prose style kaisa hai? Wo batana hai aapne. Concise and straightforward, elaborate and ornate, satirical and witty, abstract and philosophical. It is very much satirical and witty. Chesterton. Next. Match the following. Prose writers with the characteristics of their writing. Kis tarah ki writing hai? Same kind of question. Huh? Ab dekho, list 2 mein pehle padhti hoon. J.B. Priestley, Gardiner, Charles Lamb or Francis Bacon. मे भी आपने प्रीस्टली ना पढ़ा हो, गार्डनर ना पढ़ा हो, पर ये दो तो पढ़े होंगे. स्पेशली बेकन की राइटिंग कैसी है? वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक काइंड ऑफ राइटिंग. अब मैं लिस्ट 1 पे आती हूँ. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, सेंटिमेंटलिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, अर्बन लाइफ
एंड मॉडर्न मेट्रोपोलिस कंसर्न अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी. तो फ्रांसिस बेकन का तो आई थिंक ए होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. ए का फोर दो ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें. अब आती है बारी नेक्स्ट की, चार्ल्स लैम्ब की बारी. तो चार्ल्स लैम्ब की अगर हम वर्क्स देखें तो अपन लाइफ मॉडर्न इन सब चीजों के बारे में बात की है उन्होंने. गार्डनर की अगर मैं बात करूं तो एनीवन इफ यू रेड एक्चुअली इट इज गार्डनर जिन्होंने अर्बन लाइफ की बात की है. लैम्ब की वर्क्स में तो आपको बहुत ज्यादा सेंटिमेंटलिज्म मिलता है, सेंटिमेंटलिज्म मिलेगा, नॉस्टैल्जिया मिलेगा, ये सब मिलता है. तो सेंटिमेंटलिज्म चार्ल्स लैम्ब, अर्बन लाइफ एंड मॉडर्न मेट्रोपोलिस इज गार्डनर एंड कंसर्न्स अबाउट सोशल जस्टिस इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रीस्टली. ठीक है, तो आंसर विल कम आउट टू बी ए. नेक्स्ट, मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज राइटर्स गिवन इन लिस्ट वन विद द नेम्स ऑफ द राइटिंग्स. अगेन सेम नॉन फिक्शन राइटर्स हैं ईवी लूकस, चेस्टर्टन, लैम्ब और बेकन. फिर से डाल दिए इन्होंने, देखो, ऑटोबायोग्राफिकल टच, मेलनकली, इंट्रोस्पेक्शन, पिथी पॉइंटेड सेइंग्स, एपिग्रामेटिक टर्सनेस एंड अल्यूजन्स, प्लेफुल पैराडॉक्सेस एंड विटी एफोरिज्म्स, ह्यूमरस एनेक्डोट्स एंड लाइट हार्टेड एसे. तो अब फिर से देखो, हमने पीछे देखा अभी सेंटिमेंटलिज्म चार्ल्स लैम्ब और ब्रेकन में हमने रीजनिंग लॉजिक और ये सब, तो क्या आएगा. आंसर आएगा आपका सी. तो ल्यूकस की राइटिंग में आपको क्या मिलता है, ह्यूमरस एनेक्डोट्स, लाइट हार्टेड एसेज है. चेस्टर्टन के जो एसेज हैं उनमें आपको प्लेफुल पैराडॉक्सेस मिलेंगे, विथी एफोरिजम्स मिलेंगे. लैम्ब के वर्क्स में एक वही ना सेंटिमेंटलिज्म, मेलनकली, इंट्रोस्पेक्शन, ऑटोबायोग्राफिकल टच, और बेकन के वर्क्स में आपको पॉइंटेड सेइंग्स. बेकन इज वेरी फेमस फॉर दोज सेइंग्स. एक्चुअली बेकन की बहुत फेमस हो गई है, हमें पता भी नहीं होगा शायद कि बेकन की है. वेरी पॉइंटेड सेइंग्स, एपिग्रामेटिक टर्सनेस एंड अल्यूजन्स यू विल फाइंड. वॉट इज अगेन, मतलब पीछे पड़ गए ये लोग बेकन के, वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रो स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन. वही आ गया, देखो, लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन, आई थिंक यही होना चाहिए सबसे लॉजिकल. और फिर से ईवी ल्यूकस के बारे में पूछ रहा है, वॉट इज ईवी ल्यूकस नोन फॉर. अभी हमने किया ईवी ल्यूकस को, ईवी ल्यूकस को हमने देखा एज ह्यूमरस एनेक्डोट्स, वही चीज सेम आ गई यहाँ पे. अगर ये आप ऑप्शन कर लेते तो आप वापस जाके इसको दोबारा कर सकते थे. द राइटिंग्स ऑफ जेबी प्रीस्टली अगेन फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर व्हाट. द आंसर इज द इनसाइटफुल सोशल कमेंट्री एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मोर्टैलिटी, टाइम एंड एग्जिस्टेंस. अभी पीछे हमने देखा सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी और ये सब. नेक्स्ट, ए जी गार्डनर इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन एंड मेटाफिजिकल एलिमेंट, पॉलिटिकल सटायर एंड एलिग्री, सोशल कमेंट्री एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, और सेंट्रिक ह्यूमर एंड विम्सिकैलिटी. ए जी गार्डनर को भी अभी हमने पीछे देखा जिसमें हमने देखा ही इज बेस्ट नोन फॉर सोशल कॉमेंट्री एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज. देखो मैं एक बार पीछे जा रही हूँ, यहाँ पे जेबी प्रीस्टली और गार्डनर है ना, दोनों का नाम इस क्वेश्चन में आया था, गार्डनर और प्रीस्टली. तुमने प्रीस्टली का क्या देखा, सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया पहले. और गार्डनर में हमने क्या देखा, अर्बन लाइफ, मॉडर्न मेट्रोपोलिस, ये सब, फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, टाइम एंड एग्जिस्टेंस की बात वो करते हैं, और सोशल कमेंट्री. नेक्स्ट,
Read the following passage carefully and mark the correct answer from the options that follows. The special quality of the act of finding something with its consequent exhilaration is half unexpectedness and half separateness. There being no warning and the article coming to you by chance, no one is to be thanked, no one to be owed anything. In short, you have achieved the human triumph. You have got something for nothing. So these lines are taken from where? These lines are taken from On Finding Things by E.V. Lucas. Choose the correct option in context to suggestology. Suggestology क्या है? एक method जिसको किसने invent किया था या start किया था? Georgi Lozanov ने. It is also called Lozenev method. Suggestopedia is an alternative term. Yes. अगर आप methods of English language teaching करो, ELT में आपको ये मिलेगा, suggestopedia. Suggestology भी कहते हैं. So suggestopedia is an alternative name. Talk is a subject matter of language course. किसी भी language course का सिर्फ और सिर्फ subject matter talk नहीं हो सकता ना, कुछ और भी तो होगा. Suggestive, accelerative learning and teaching. ठीक है. तो आपका आ गया आंसर. देखो, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है, फोर्टी टू. मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू लिंग्विस्ट. अब ये देखो, आप आपका नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन शुरू होंगे. बड़े ही सिस्टमैटिकली हर एक यूनिट से क्वेश्चन डाले हुए हैं. डेलहाइम्स, बर्नस्टेन, चॉम्स्की, सीडब्ल्यू मॉरिस. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक पैरामैटिक्स, प्रैग्मैटिक्स, सॉरी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वर्बल डेप्रिवेशन. तो चॉम्स्की का टर्म है कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. डेलहाइम्स का टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. तो चॉम्स्की ने जब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात की थी, उसी के रिस्पॉन्स में डेलहाइम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात की. वाई? बिकॉज चॉम्स्की ने कहा था सिर्फ जैसे लॉन्ग एंड पैरोल का कॉन्सेप्ट है ना, उस तरह से ये है. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात उन्होंने की थी और उन्होंने लैंग्वेज कितनी आपको आती है, कितने आप कॉम्पिटेंट है लैंग्वेज में, उसके रूल्स कितने अच्छे से आते हैं, बस इस चीज की बात की थी. इट डिड नॉट मेजरली फोकस अपॉन द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट टू विच डेलहाइम्स हैड गिवन रिस्पॉन्स बाय एक्चुअली इवॉल्विंग द टर्म टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. तो इनसे देखो हो जाएगा, ए का आपका आ गया 3, दो में है, और सी का आपका आ गया 2. उल्टा हो गया क्या? ए का 3, हाँ ठीक है, और अच्छा सी है, सॉरी मैं बी देख रही हूँ. सी का 1, आंसर इज ए. आई गॉट कंफ्यूज माई सेल्फ. सो डेलहाइम्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. अच्छा, बर्नस्टीन का कॉन्सेप्ट है आपका वर्बल डेप्रिवेशन का, बाद में हम लिंग्विस्टिक के कोर्स में इन सब की बात करेंगे. और मॉरिस का कॉन्सेप्ट है आपका ये लिंग्विस्टिक प्रैग्मैटिक्स का. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. So, duality of patterning, arbitrariness, displacement, dynamic. और उनके मीनिंग्स आपने बताने हैं. No inherent connection between sound and symbol. Something which is arbitrary doesn't have a connection, जिसमें जैसे signifier signified. Right? Maybe आपका नाम क्या है? आपका नाम का और आप में जो characteristics हैं, आपके जो features हैं, क्या उसमें कोई connection है? No connection, right? So, this is arbitrary. You are just called by that name because of repeated usage. So, उस तरह से हम match the following करेंगे, बाकी terms की भी एक बार पढ़ लो और आपका option A will be your answer. तो duality of patterning,
इट इज मेड अप ऑफ साउंड एंड स्मॉलर फॉर्मल यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स. अलग अलग मॉर्फीम्स एक पैटर्न बनाते हैं डबलिंग का, ड्यूअलिटी का. फिर आर्बिट्रेरीनेस, एज आई सेड, नो इनहेरेंट मीनिंग, नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन साउंड एंड सिंबल्स. डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. डायनमिक, डायनमिक वर्ड से आपको एक्चुअली बड़ा अच्छा हिंट मिल जाएगा. इट कीप्स चेंजिंग. What is dynamic? Dynamic is something which is not stable, which is not static, which keeps changing. So it keeps changing at all levels, sounds, words, word meanings and sentences. Okay. Next, fill in the blanks. Kenneth L. Pike, author of Dash 1942 and Dash 1947, which were famous in the 40s, conceived of a theory of language known as tagmatics. Tagmatics. So, I think the answer should be B, phonetics and phonemics. Yes. So, although when I have, you know, googled it, it says the original publication is 1943. Phonetics करके उन्होंने एक book लिखा था. Phonetics, a critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds. Phonetics. Kenneth L. Pike ने. और phonemics भी इन्होंने लिखा है एक बार. I think this should be the answer. Next is assertion reason again. Lines demarcating areas exhibiting a particular feature and so dividing them off from areas inhibiting other features on map are called isoglasses. So, इन्होंने isoglass को अपने आप define कर दिया है. क्या होता है isoglass? एक map पे एक line जो linguistic features के base पे, जब हम एक linguistic map draw करते हैं ना, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो एक लिंग्विस्टिक मैप ड्रॉ होता है. उन लाइंस को जो डिमार्केट करती है, जो डिस्टिंग्विश करती है अलग अलग लिंग्विस्टिकली, उसको हम आइसोग्लास कहते हैं. सो लाइंस डिमार्केटिंग एरियाज एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर फीचर एंड सो डिवाइडिंग देम ऑफ फ्रॉम एरियाज इनहिबिटिंग अदर फीचर्स ऑन मैप आर कॉल्ड आइसोग्लासेस. दिस इज करेक्ट. रीजन, आइसोग्लासेस क्रिस क्रॉस ओवरलैप एंड डाइवर्ज यील्डिंग बंडल्स ऑफ आइसोग्लासेस. ये बंडल्स ऑफ आइसोग्लासेस क्या हो गया? कभी कभी लैंग्वेजेस क्रिस क्रॉस ओवरलैप भी कर जाती है ना, डाइवर्ज हो जाती है, तो बंडल्स ऑफ आइसोग्लासेस बन जाता है, विच इज ऑल्सो फाइन. सो द आंसर शुड बी डी. नेक्स्ट, fill in the blanks with correct option. If switching takes place between two or more languages in communication, it is called code switching. If one uses a language and mixes words, phrases and sentences from another language, it is called code mixing. Simple. Dono bahut acche important terms hain linguistics mein, code switching aur code mixing. Code switching kya hota hai? Jab aap baat karte karte switch karo. Kabhi jaise एक लैंग्वेज बोल रहे हो, फिर स्विच करके आप दूसरी लैंग्वेज पे आ जाओ. सो वन और टू और मोर लैंग्वेजेस में आप स्विच करते रहो, इट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग. लेकिन जब आप सेंटेंसेस में ही, फ्रेजेस में ही अलग अलग लैंग्वेजेस को मिक्स कर दो पूरी तरह से, दैट इज कोड मिक्सिंग. नेक्स्ट, सो वी हैव थ्योरीज ऑन वन साइड एंड थ्योरिस्ट्स ऑन द अदर. बिहेवियरिस्ट, इनेटनेस थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, इंटरेक्शन थ्योरी. इनेटनेस, जब चॉम्स्की ने कहा था कि चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विद एन एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड, देर इज सम इनेटनेस इन देम, देर इज सम समथिंग, इट इज नॉट एन एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड, दे हैव दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इनेटनेस चॉम्स्की का आ गया. बाकी आपका ए का आ गया टू, स्किनर. इनेटनेस आ गया चॉम्स्की का, कॉग्निटिव थ्योरी आ गया आपका प्याजे का, और इंटरैक्शन थ्योरी आपका आ गया ब्रूल्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48.
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, नॉट एन अप्रोच टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बॉटम अप अप्रोच, लिंग्विस्टिक अप्रोच, स्कैनिंग अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच. तो अब देखो 48 क्वेश्चन से आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. बॉटम अप, लिंग्विस्टिक, स्कैनिंग, प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है. प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है? प्रोडक्ट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च और एनीथिंग एल्स वॉट यू टेक आउट फ्रॉम योर रीडिंग. सो इट्स नॉट एन अप्रोच. बाकी बॉटम अप्रोच हम लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच हम लेते हैं, हम स्कैन करते हैं, हम स्किम भी करते हैं. What is distinctive about dialect of a language? A, when a group of individuals share particular ways of speaking, a dialect spoken in geographical area is called a regional dialect. It is an artificial language like a Morse code. The study of dialects are known dialectology. ये बिल्कुल गलत है. Morse code होता है जैसे वो code languages नहीं होती उस तरह का. So it is a dialect of a language is not a Morse code. It's not like that. So that's not correct, right? 49. का आपका आंसर आ गया सी. सो 1, 2, 4 आर ट्रू, थर्ड इज फॉल्स. 50. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ईएसपी? व्हाट इज ईएसपी? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. मैंने आपको क्लास में भी बताया है एक बार. कई बार जैसे हर एक कॉलेज में इंग्लिश की जैसे वैकेंसी निकलती है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लॉ कॉलेज, वहां पे भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है. नाउ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस वहां पे हो गया. लॉ स्टूडेंट्स को जो आप इंग्लिश पढ़ाओगे उनको आप उनका जो एक सिलेबस होगा, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया होगा इंग्लिश पढ़ाने का, वो बिल्कुल अलग होगा. व्हाई? बिकॉज इट वुड बी स्पेसिफिक टू देयर नीड्स. लॉ की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाएगी. तो जैसे हम मास्टर्स में, आई डोंट नो इफ यू हैड दिस, बट आई हैड दिस, आई हैड टू मेक दिस प्रोजेक्ट ऑन ईएसपी. तो मुझे ये दिया गया था ईएसपी फॉर ये लॉ स्टूडेंट्स. तो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना था, पूरा कोर्स बनाना था उनके लिए. सो now what is not true about that? It is designed through need analysis, of course. What do they need? Uske basis pe wo banta hai. It is used only to instruct scientists. No. It might be used to instruct the scientists, but not only to them. It's a learner-centered approach. It is one of the branches of TOEFL. Right? Theek hai. 50 ka answer aapka aa gaya seedha seedha. It is used only to instruct scientists, which is not correct. Now, what do you understand by TOESL? Anyone? It's a test of English as a foreign language. TOEFL, test of English as a foreign language. TOEFL, we kehte hain, hai na? Yeah, test of English for specific as a second language. तो उसके लिए भी इट कैन बी यूज. नेक्स्ट 51. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन, द अदर इज रीजन. लेट्स सी. असर्शन सेज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज प्राइमरली फॉर द बेनिफिट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर. यस, स्टार्टिंग में हमने जब बात की है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने इंग्लिश को क्यों स्पेसिफाई किया ताकि उनके काम निकल सके. रीजन, English catered to the social and economic aspirations of emerging middle class and urban elites in India. Dono theek hai. But I don't think the reason is this, hai na? Introduction of English ki baat ho rahi hai. So it was not, it did not get introduced because of the aspirations of the middle class and urban elites in India. So the answer would be B. Both are correct, but R is not the correct explanation. ब्रज कच्छू जी यहाँ पे भी आ गए. ब्रज कच्छू हैज ऑब्जर्व्ड अ टेंडेंसी अमंग इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स एंड राइटर्स टू यूज हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम्स. अब हाइब्रिडाइज्ड मतलब मिक्स करके ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके कुछ लिखना. इसको एग्जांपल सामने सामने है, लाठी चार्ज. लाठी इज अ हिंदी वर्ड, चार्ज इज एन इंग्लिश वर्ड. हु आर द को एडिटर्स ऑफ चटनीफाइंग इंग्लिश, द फिनोमेना ऑफ इंग्लिश? ये वर्क भी मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे मैंने बताया था. को एडिटर्स कौन है इनके? तो ये है आपके रीटा कुठारी एंड रूपर्ट स्नेल. विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक इससे नेट पे भी क्वेश्चन आया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा? वुड्स डिस्पैच, अपडेट्स इन्होंने अलग अलग दे दी है. सो 1854.
चेक कर लेंगे। वुड्स डिस्पैच 1854, करेक्ट। नेक्स्ट 55, हु इज नोन एज लॉर्ड मकॉले। पूरा नाम पूछा है, थॉमस बैबिंगटन मकॉले। विच इज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय एन इंडियन वुमन इन इंग्लिश। नाइस क्वेश्चन। गोविंदा समानता, समानता और राजमोहन्स वाइफ, स्टोरी ऑफ अ हिंदू लाइफ, प्रियंका और द यंग स्पैनिश मेडन। द आंसर इज डी, प्रियंका और द यंग स्पैनिश मेडन। इट इज अ वर्क बाय तोरू दत्त। एटीन सेवेंटी एट के आसपास ये वर्क आया है। ओके, विच आर द टू इंडियन टेक्स्ट विच आर ट्रांसलेटेड बाय द ओरिएंटलिस्ट विलियम जोन्स। इसकी भी हमने क्लास में बात की, जब हम वो कॉन्ट्रोवर्सी आ गया आपको, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट की बात हमने की है। तो कौन से टेक्स्ट हैं जो विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किए हैं? द आंसर इज शकुंतलम एंड मनुस्मृति, राइट, ए एंड डी। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड सम मूवमेंट्स टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न स्पेसिफिक एजुकेशन थ्रू इंग्लिश इन इंडिया। सारे क्वेश्चंस इन इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया पे बेस्ड हैं। किसने शुरू किया कुछ मूवमेंट वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए थ्रू इंग्लिश इन इंडिया? श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, राजमोहन रॉय और महात्मा गांधी। द आंसर इज राजमोहन रॉय। इफ यू रिमेंबर दैट लेटर दैट ही रोट टू एमहर्स्ट। नेक्स्ट इज, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर इट्स रोल इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वन ऑफ इट्स काइंड, English and Foreign Languages University, FLO। तो English के बारे में पूछा है, ठीक है? Match the authors in column A with column B। So we have Braj Kachru, Prabal Das Gupta, Sathyanandan and Kumar Swami। On the other hand, we have Kamala, the story of a Hindu life, the dance of Shiva, the otherness of English, the Indianization of English। Indianization of English आपको आना चाहिए, देख लो एक बार। The options also, the answer would be C, Braj Kachru, Indianization of English, है ना? Prabal Das Gupta ने लिखा था otherness of English। Please इनको एक बार जाके, अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लें। सत्यानंदन ने लिखा है कमला, स्टोरी ऑफ अ हिंदू लाइफ। एंड फाइनली कुमार स्वामी ने लिखा है द डांस ऑफ शिवा। नेक्स्ट 61, वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ आइडियोलॉजीज आर सुपर स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाट। व्हाट कुड इट बी? I was a little confused between two options actually, false consciousness and classical Marxism. So one of the fundamental assumptions of ideologies are superstructural. Agar superstructural words makes me go towards classical Marxism. We'll see ki final answer ki mein kya answer aata hai, but according to me it should be classical Marxism, I think. Base superstructure ki hum baat karte hain classical Marxism mein. तो एक अजम्पशन आइडियोलॉजीज की विच आर सुपर स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्शन ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म, आई थिंक। नेक्स्ट, मैच द बुक्स, कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, ट्रिपल तलाक, सिटीजन डेली, माई टाइम्स माई लाइफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ। और ऑथर्स दिए शीला दीक्षित, सौरभ गांगुली, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट, ये जो ऑप्शन दिए वो आंसर करेक्ट नहीं है। तो आई थिंक
आपको सबको मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए, मार्क्स गिवन टू ऑल होना चाहिए। वाई ट्रिपल तलाक, रश्मि की जगह इनका वर्क है ये एक्चुअली, सलमान खुर्शीद का। सो देयर माइट बी दिस मिस्टेक दैट हैज हैपेंड। सो ये है जो वर्क है कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है एक तो, ठीक है, और तारिक अली का एक वर्क है। बाकी इसमें ऑथर्स की बात करें तो इसमें अरुंधति रॉय का नाम भी आता है, बहुत सारे ऑथर्स हैं, अरुंधति रॉय है, चैटर्जी है, पंकज मिश्रा है, तारिक अली है, हिलाल भट्ट है, सबने मिलके इसको लिखा है। ट्रिपल तलाक की बात करें तो एज आई सेड सलमान खुर्शीद का ये वर्क है, ठीक है, यस। फिर सिटीजन दिल्ली, माय टाइम्स माय लाइफ, दिस इज बाय शीला दीक्षित, और सेंचुरी इज नॉट इनफ इज बाय सौरभ गांगुली। बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन इसमें गलत आ जाता है जो है सलमान रश्दी की जगह खुर्शीद होना चाहिए। नेक्स्ट, द टू की अप्रोचेस टू स्टडी कल्चर इन इंग्लिश लिटरेचर इज, कल्चर को कैसे स्टडी करेंगे, कैपिटल एंड क्लास डोमिनेंस, नहीं। अब ये सिर्फ मार्क्सिज्म से रिलेटेड हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एस्थेटिक एंड कल्चरल रियलाइजेशन, एथिक एंड एमिक, आंसर वुड बी आई थिंक बी, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के साथ हम एक अप्रोच बना के इसको कल्चर को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल देर आर फोर कोड्स ऑफ एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, उन्होंने फोर कोड्स दिए हैं, हमने बात भी की थी। वी हैव हेजेमोनिक कोड, वी हैव प्रोफेशनल कोड्स, वी हैव नेगोशिएबल कोड एंड वी हैव ऑपोजिशनल कोड। तो लिस्ट बी में आपको इनकी डेफिनेशंस दी हुई है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज एक्नॉलेजेस द लेजिटिमेसी ऑफ द हेजेमोनिक डेफिनेशंस टू ऑपरेट विद एक्सेप्शंस, एनकोडर एक्सेप्ट्स द डिकोडर टू रिकॉग्नाइज एंड डिकोड, टू अंडरस्टैंड परफेक्टली बोथ द लिटरल एंड कोनोटेटिव इन्फ्लेक्शन, ऑपरेट्स इन टैंडम विद द डोमिनेंट कोड। तो ये फोर एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में चार कोड्स इन्होंने बताए थे कि हम किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक एड का एग्जाम्पल लेती हूँ, इमेजिन करो कोई एक एड है जैसे फेयर एंड लवली की एड है। अब फेयर एंड लवली की एड देने वालों ने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके उसमें मैसेज डाला होगा, अब उससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो समझेगी। पहला आ जाता है हेजेमोनिक कोड, जिसमें एनकोडर जो है एक्सेप्ट कर लेता है डिकोडर के की कही हुई बात को, उसको रिकॉग्नाइज करता है और डिकोड करता है। मतलब जैसे मैं ऑडियंस हूं, मैंने एक फेयर एंड लवली की एड देखी, मैंने समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल हेजेमोनिक कोड, ठीक है। उसके बाद कई सारी चीजें आती है, कई सारी पोजिशन जो है वो एक हम ले सकते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल कोड। अगर नेगोशिएटेड पोजीशन की मैं बात करूं तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे उस एड में जो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मे बी आई वॉन्ट माई स्किन टू बी अ लिटिल बेटर लुकिंग, सो आई विल एक्सेप्ट दैट मैसेज, बट देन आई विल रिजेक्ट दिस रेसिस्ट वाला जो उस एड में एक एंगल है, उसको शायद मैं रिजेक्ट कर दूं, मैंने नेगोशिएट कर दिया उसके साथ। ऑपोजिशनल कोड में क्या होता है, मैं कंप्लीटली उस एड को वो कर दूं, निगेट, कि भाई तुम जो दिखा रहे हो बिल्कुल ही बकवास है, मैंने पूरा ऑपोजिट कर दिया उसका, निगेट कर दिया आपको, दैट इज ऑपोजिशनल कोड, ठीक है। तो इस तरह से उनके ये जो कोड्स हैं वो चलते हैं। अब आप देखो इसमें से बेस्ट सूटेड डेफिनेशन क्या आएगी, द आंसर वुड बी ए। ए का आ गया टू, प्रोफेशनल कोड, अच्छा ये रह गया ना, इट ऑपरेट्स इन टैंडम विद द डोमिनेंट कोड, साथ साथ चलता है प्रोफेशनल कोड, एक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। नेगोशिएबल कोड कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला,
acknowledges the legitimacy of the hegemonic definition to operate with exceptions, mixture of exception and rejection. An oppositional code aa gaya aapka to understand perfectly both the literal and connotative inflection. Matlab saaf saaf encoder decoder ko samajh mein aa raha hai kya chal raha hai. ठीक है, आई थिंक इट शुड बी ए. नेक्स्ट, असर्शन रीजन. न्यू हिस्टोरिसिज्म इज एन अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी. ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिमाइस दैट अ लिटरेरी वर्क शुड बी कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम, प्लेस एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस. हिस्टोरिकल एक वर्क को हम कैसे देखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द टाइम, प्लेस एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. जिस टाइम पे, जिस प्लेस में, जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो कंपोज हुआ था, रादर देन एज एन आइसोलेटेड वर्क ऑफ आर्ट और टेक्स्ट. करेक्ट है. बोथ न्यू एंड ओल्ड हिस्टोरिसिज्म आर फोकस्ड ऑन द कल्चरल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ राइटिंग. तो इट इज बिकॉज बोथ जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है और न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो कल्चरल सिचुएशन को देखते हुए काम करते हैं. ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट सी हिस्ट्री एज द बैकग्राउंड, लेकिन न्यू हिस्टोरिसिस्ट सी हिस्ट्री एज द फोरग्राउंड. वो बैकग्राउंड में नहीं रखते हिस्ट्री को, वो फोरग्राउंड में रखते हैं. आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट, ये सारे आप थ्योरी से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं. यूनिट 9 से ग्राम्शी कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी एनकंपासेस द फॉर्मेशन ऑफ अलायंस बिटवीन क्लास फैक्शंस एंड स्ट्रगल्स विद इन द कल्चरल रियलम ऑफ एवरीडे कॉमन सेंस. रीजन, अकॉर्डिंग टू ग्राम्शी हेजेमनी इज characterized as an ongoing, unstable and contested process. So hegemony ki ne concept, sorry, Gramsci ne concept diya hai hegemony ka. Kya hota hai hegemony? Constant leke rule karna. Matlab logon ko ye jitlana nahi ki hum rule kar rahe hain, lekin logon ki marzi se, haan ji aap ye rule aapke liye acha hai to rule karna. Is concept mein he encompasses the formation of alliances between class factions and struggles within the cultural realm of everyday common sense. Or reason, according to Gramsci, hegemony is characterized as an ongoing, unstable and contested process. Theek hai? The answer would be, again, A, I think. Hello? Next, the third world literature is coined by Alfred Sauvy. Yaad rakhna hai, kisne coined kiya term. In 1952, अब उसमें क्या, वॉट कंप्राइज द वर्ल्ड लिटरेचर, सॉरी द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर. ऑल द अफ्रीकन एशियंस एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज इट इज पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू एवरी डेलिकेट एस्थेटिक प्रॉब्लम. इट डील्स विद नेशन बिल्डिंग विद व्हिच ओनली निगेट्स ऑपरेशन. अब ये ओनली वर्ड बिकम्स अ प्रॉब्लम. So it comprises of all African, Asian, Latin American nations of the world. It's a political solution to a very delicate aesthetic problem. Both theek hai, but C theek nahi hai. Next, the key concept of cultural studies which cannot be represented are. Thoda sa mujhe ye question halka sa ajeeb laga, vague laga. Matlab cannot be represented. What I could make out of it is कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं कल्चरल स्टडीज में, पता नहीं, जिनको हम रेप्रेजेंट नहीं कर सकते. लेट्स सी, रेप्रेजेंटेशन, मटीरियलिज्म एंड नॉन रिडक्शनिज्म, आर्टिकुलेशन, पावर एंड पॉपुलर कल्चर, टेक्स्ट एंड रीडर्स, सब्जेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन. अगर हम कल्चरल स्टडीज इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचें दैट वॉट Do we study in cultural studies? We generally talk about the working class culture. We generally talk about high culture, low culture. हम distinguish करते हैं उसको, mass culture की बात करते हैं, popular culture की बात करते हैं, power की बात करते हैं, है ना, texts की बात करते हैं. तो उसको देखते हुए मुझे लगता है, I'm not sure, but I think it should be D. Because cross-cultural communication की बात नहीं करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं करते हैं हम लोग, कल्चर, हाई कल्चर और लो कल्चर की बात करते हैं.
हो भी सकता है, डाइवर्सिटी भी वो एक तरह से वो डाइवर्सिटी ही आ गई, लेकिन कल्चरल कोऑपरेशन की बात नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद बी हो सकता है आंसर, बट वी कीप दिस, वी विल स्टिल आई नो टैली आर आंसर विद द आंसर की। अब रिप्रेजेंटेशन मटीरियलिज्म क्यों नहीं हुआ, मटीरियल क्योंकि मार्क्सिस्ट कल्चरल थ्योरिस्ट हैं जो मटीरियलिज्म की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात स्टुअर्ट हॉल ने की है ना, कि जैसे फिल्म स्टडीज को लेके उन्होंने बात की है कि हाउ आर डिफरेंट थिंग्स रिप्रेजेंटेड इन दैट फिल्म, आर्टिकुलेशन पावर की हम बात करते हैं, पॉपुलर कल्चर की बात करते हैं, इसलिए एक एलिमिनेशन की तरह मैंने डी को टेक किया है। लेट्स सी नेक्स्ट assertion is cultural materialism is coined by Raymond Williams, ठीक है, it is a theoretical blending of Marxist analysis and leftist culturalization. The class-based analysis of traditional Marxism is extended by additional focus on the marginalized. Deep textual analysis is done to explore the dominant hegemonic powers. Reason is cultural materialists analyze historical texts like Shakespeare and Austen to explore the political implication of power structures like the church or state in order to disseminate ideology. Cultural materialism ki baat ki hai, ki Raymond Williams ne usko coin kiya hai, wo kya hai? It's a blending of Marxist analysis and leftist culturalization, that's correct. Class-based analysis hai ye traditional Marxism ka, usko extend kiya hai, usme kuch cheeze add karke, jaise marginalized logon ke, marginalized deep textual analysis kiya hai, ताकि हम डोमिनेंट हेजेमोनिक पावर्स को निकाल के देख सकें। कल्चर मटेरियलिस्ट्स एनालाइज हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स लाइक शेक्सपियर एंड ऑस्टिन टू एक्सप्लोर, अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, टू एक्सप्लोर पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस ऑफ द पावर स्ट्रक्चर्स लाइक चर्च स्टेट इन ऑर्डर टू डिसेमिनेट आइडियोलॉजी, ठीक है, अगेन द आंसर आई थिंक वुड बी ए। Which of the following is a special term which is coined by Williams to define the lived experience of a particular period of time as experienced by people? Inertia of society, sense of emotion, it is a structure of feeling, the pattern of experience. So, a special term jo Williams ne coined kiya tha, it was structure of feeling to talk about the lived experiences, a particular time. Again, assertion reason. Arnold suggested that his touchstone method should be the real method for detecting high poetic quality. Touchstone method use karo standard poetry ko janne ke liye ki kaun sa hai, not the historic or personal estimate. Reason, Arnold considered all romantic poets to be great poets and they should be imitated. Reason is absolutely not correct. All romantic poets ko nahi unhone consider kiya hai kabhi bhi. उनको इमिटेट किया जाए ऐसा भी नहीं कहा है। सी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, इट इज फर्डिनेंड डी सोसियोर लिंग्विस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। बॉसवेल डिस्क्राइब दिस वर्क बाय जॉनसन एज द रिचेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इंडीड मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ जॉनसन पेन। बॉसवेल उनका बायोग्राफर थे, उन्होंने कहा कि उनका सबसे अच्छा एक richest वर्क था उनकी लाइव्स ऑफ पोएट्स, जो 52 पोएट्स थे कि उन्होंने एक हमें वर्क दिया है, क्रिटिसिज्म का एक बहुत बेहतरीन वर्क है। इन ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी नियांडर डिफेंड्स इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है, नियांडर इंग्लिश ड्रामा जो ट्रेजिक कॉमेडी उसको डिफेंड करते हैं। रीजन क्या है, यूज ऑफ मर्थ विद ट्रेजेडी, अब हैप्पीनेस और ट्रेजेडी को अगर आप मिक्स करोगे, इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रेरीज that set each other and gives audience relief from heaviness of straight tragedy. ठीक है, reason भी है ना, tragic comedy को defend करते हुए आप ये reason दे सकते हो। A. Longinus while studying philosophy was influenced by whose works? ये सारे लोग Plato से काफी influenced थे, Longinus was also influenced by Plato. Next. According to T.S. Eliot, no poet, no artist of any art has his complete meaning alone. Reason? Because he is connected with the tradition from which he cannot break away. कोई भी poet, कोई भी artist, किसी भी art का,
उसको एक अकेले में मीनिंग नहीं मिलता है. वाई? बिकॉज वो एक ट्रेडिशन के साथ कनेक्टेड है जिसके साथ वो ब्रेकअवे नहीं कर सकता. सो यस, ठीक है. वॉट इज द डेफिनेशन, वॉट इज बाई डेफिनेशन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्निट्यूड? इट इज ट्रेजेडी. डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टॉटल ऑल्सो. द ट्रेजेडी इज समथिंग विच इज सीरियस, इट इज समथिंग विच इज अ होल, इट इज कंप्लीट एंड इट हैज अ सर्टेन मैग्निट्यूड, सिग्निफिकेंट मैग्निट्यूड, लाइक लेंथ पर्टिकुलर. Johnson attacked Milton's Lycidas by calling it intentional fallacy. Why? Was it because there was no rhythm? The emotions expressed were insincere. It lacked sexual morality. It blindly adhered to rules. आप बहुत common sense के साथ इस answer को आप take कर सकते हो. The emotions expressed were insincere. That is why he calls it intentional fallacy. What is intentional fallacy? Intentions of the author. से अगर हम जज करें, है वो टर्म बाद में आती है, अगर हम intentions of the author से जज करें एक वर्क को, that is an error in judgment. So emotions expressed were insincere, that's why he is called it like that. Who said sublimity springs from a great and lofty soul, thereby becoming an echo of a great soul? Longinus, है ना, on the sublime. Fill in the blanks. The distinction between dash and dash is very important to Russian formalists. Mimesis and digesis, narration and narratology, story and plot, plot and events. Russian formalism mein hum hamesha karte hain baat Sapula and Shuzetsky. Oh, what is that? It is story and the plot. जब भी हम रशियन फॉर्मलिज्म एक्चुअली शुरू करते हैं उसमें ये बात आती ही आती है ना. तो इजी क्वेश्चन था ये. ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव रिमूव्ड ऑल द आंसर्स. आई वाज ट्राइंग टू रिमूव दिस दैट आई रोट. जल्दी जल्दी के चक्कर में प्लॉट एंड स्टोरी जितने बिखरे हैं उतने टिक टिक कर देती हूँ. सॉरी. एनीवे, नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसफोबिया? ट्रांसफोबिया कम्स फ्रॉम जेंडर स्टडीज से आता है, या फिर जो आपका क्वियर स्टडीज है ट्रांसफोबिया, जैसे हम बोलते हैं होमोफोबिया. होमोफोबिया इज समथिंग which, you know, the fear of the homosexuals. Transphobia kya hai? It is a distress a person experienced due to mismatch between their gender identity. It's not a distress, it's a fear. It's a kind of a discrimination, yes. It's a behavior or gender expression. It's not a behavior, yes, it can be a behavior. By an individual that does not match masculine or feminine gender norms? No. Terms used for people who are not heterosexual? No. I think it should be B. Which of the following terms are not used in post-structuralism? So long and parole, ye aapka structuralist ka major term hai. Signified, bhi structuralism mein shuru ho jata hai, lekin post-structuralists bhi use karte hain. Paradigmatic, syntagmatic, text and writing, sab use hota hai. Who among the following coined the term eco-feminism? मतलब ये पेपर की खासियत ये है कि इन्होंने हर एक चीज कवर कर ली है. इकोफेमिनिज्म से भी क्वेश्चन डाला है. तो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक नेट में भी आया था. इट इज सी, फ्रैंकोइस डी यूबॉन. मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू सबाल्टर्न थ्योरी. सो एंटोनियो ग्राम्शी, स्पिवाक, एडवर्ड साइट एंड होमी भाभा. टर्म्स है सिंपल ओरिएंटलिज्म, आपको पता ये एडवर्ड साइट का है ओरिएंटलिज्म. फिर सोशल पावर, कल्चरल हेजेमनी किसका है पता है आपको, कल्चरल इंपीरियलिज्म किसका है. तो मैच करो, आंसर आ जाएगा इजीली डी. सो एंटोनियो ग्राम्शी हेजेमनी है ना, और गायत्री स्पिवाक आपका इंपीरियलिज्म, फिर आपका एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म,
एंड होमी भाभा सोशल पावर. हु गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन? क्वीयर थ्योरी एंड पॉलिटिक्स नेसेसरली सेलिब्रेट ट्रांसग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल डिफरेंस फ्रॉम नॉर्म्स. दीज नॉर्म्स आर देन एक्सपोज टू बी नॉर्म्स नॉट नेचर्स और inevitabilities. Gender and sexual identities are seen in much of this work to be demonstrably defined definitions and configurations. क्या कह रहे हैं कि queer theory किस चीज को celebrate करती है? Transgressions को, different चीजों जो digressions है उसको, in the form of visible difference from the norms. Norm क्या है? जो normative है, जो normal है हमारी terms में. These norms are then exposed to be norms, not natures or inevitabilities. Gender and sexual identities are seen in much of this work to be demonstrably defined definitions and configurations. कौन सा work है? So this is by J. Stewart. जे स्टीवर्ट थे वो ही वॉज अमेरिकन एंड एंड ही हैज रिटन ऑन दिस यू नो क्वियर थ्योरी पे इन्होंने बात की है. Just one minute. I wanted to give you this information. I cannot just find it. कहाँ लिख दिया मैंने? Just can't find it. Can't find it anyway. So J. Stewart ने actually बहुत सारी research की है. Hardly he was also a you know working as a PhD which focused on transgender issues in popular culture. ये सब इन्होंने बात की है. देखेंगे इसको और बाद में. I just cannot find anyway. Match the following green movements and its purposes. So green belt movement, Chipku movement, Aquasane Mother's Milk Project, counterculture movement. चिपकू मूवमेंट आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन से एसोसिएटेड है और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आ गया आपका प्लांटिंग ट्रीज से. मदर्स मिल्क वाला आ गया आपका ब्रेस्ट मिल्क के साथ और काउंटर कल्चर आ गया वेजिटेरियनिज्म के साथ, वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म के साथ. तो 87 का आपका आंसर आ गया ए, ए का 3, बी का 1, बी का व्हाट, बी का 4 सॉरी, सी का 2 और डी का 1. नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट जूलिया क्रिस्टोवा? सो फ्रेंच थ्योरिस्ट है, फेमिनिस्ट क्रिटिक है, साइको एनालिस्ट है. द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर इज इनसाइड द साइको एनालिटिकल रियालिटी. द लिंग्विस्टिक और प्री इडिपल फ्लक्स इज द फाउंडेशन ऑफ सिमियोटिक मटीरियल व्हिच रिमेन्स एक्टिव. The poetic discourse represents the semiotic flux, openness, disruptive and subversive practices. मुझे तो कोई गलत नहीं लग रहा इनमें. फ्रेंच है, फेमिनिस्ट है, साइकोएनालिस्ट है, इन्होंने प्री इडिपल की बात की है, सिमियोटिक की बात की है. आई थिंक ऑल आर करेक्ट. What is the genre of the Hollywood movie Joker that won 2 Oscar awards? Tell me, I don't know. What should be the appropriate answer? I'm not coming to a conclusion. Should it be absurd? Should it be existential? Should it be black comedy? It cannot be symbolism, I think. I am not going to mark the answer to this. I am just not coming to a conclusion. I am not sure. अगर मैं just एक genre देखूं Joker movie का,
सो इट इज थ्रिलर, इट इज क्राइम, यू नो, इट इज साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स मिस्ट्री ड्रामा क्राइम फिक्शन और ये सब चीजें, और मतलब मर्डर इज ओके विद ऑल ऑफ दैट. आई डोंट नो हाउ टू पुट जोकर इन टू दिस वन पिक्चर, सो दैट इज वाई आई एम नॉट मार्किंग द आंसर टू दिस. Anyway, you tell me in the comment section, should it be this, should it be this, should it be this. Next, T.S. Eliot uses the term objective correlative in which text? Simple sa question hai. Objective correlative ki unhone Hamlet, kyunki unhone Hamlet ka example deke usko use kiya hai, so Hamlet and his problems. When a source has two authors whose name is to be reversed in the citation, तो एक सोर्स में जब दो ऑथर्स हो तो कौन से वाले ऑथर का नाम हम रिवर्स में लिखते हैं. जैसे लेट्स अज्यूम मैंने बुक लिखी है एनी महिंद्रू और एक और इंसान ने बुक लिखी है लेट्स पूजा तिवारी. तो जो पहला है जैसे मेरा नाम अगर पहले आ रहा है तो मेरा नाम आप रिवर्स में लिखोगे महिंद्रू एनी, दैट इज हाउ यू विल राइट इट फर्स्ट ऑफ. सेकेंड का नाम ऐसे ही लिखा जाता है. अब ये देखो शैरन रीटा एट ऑल द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नैरेटिव मेथोडोलॉजी. मतलब मैं आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है ना दिस कैन गिव यू एन आंसर टू योर लास्ट क्वेश्चन. अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें एमएलए साइटेशन बताया है, अगर आप इसको फॉलो कर लो वो आप ठीक कर सकते हो. देखो तो बेसिकली द नेम ऑफ द ऑथर इज रीटा शैरन, हाउ इट इज रिटन रिवर्स क्रोनोलॉजी में, सर नेम फर्स्ट, फर्स्ट नेम उसके बाद, एट ऑल द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नैरेटिव मेथडोलॉजी, फुल स्टॉप लगा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, फिर ऑक्सफोर्ड यूपी कॉमा 2017. पूछा क्या है ये एट ऑल क्या होता है, क्या होता है एट ऑल? एट ऑल होता है जब ज्यादा ऑथर्स हो, सबका नाम नहीं लिखते हैं, तो बुक बाय मोर देन टू ऑथर्स तब लिखा जाता है इस तरह से. एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च इमीडिएटली जब आप कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो दैट्स एन एक्शन रिसर्च. What is the main aim of interdisciplinary research? To oversimplify problems, to create new trend, to reduce the emphasis of single subject in research domain, to form a broad and inclusive understanding of a topic. है ना? एक ज्यादा बड़ा स्कोप प्रोवाइड करना, एक इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग करना किसी चीज की. लेट्स से मैं कल्चरल स्टडीज कर रही हूँ तो मुझे सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बना पाऊं. What is the full form of MLA? Easy? It is Modern Language Association. Which of the following is not the characteristic of a research? So research systematic hoti hai, research is not passive, research is not a process, research is problem oriented. Research is not a process, that is not a characteristic of a research. Systematic hoti hai, active hoti hai. और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, पैसिव नहीं होती, वो ठीक है. मैचिंग प्लेजरिज्म एंड नोट रेफरेंस केस स्टडी, तो सारे के सारे आपको ये एमएलए हैंडबुक में टर्म्स मिल जाते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ एमएलए लेटेस्ट एमएलए हैंडबुक जो है वो हमेशा पढ़ के जानी एग्जाम से पहले. तो आपने डेफिनेशन देनी है, तो हाउ यू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन यूज्ड इन द वर्क. इट इज अ रिसर्च स्ट्रेटजी or an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomena by using multiple sources of evidence, presenting work or ideas from another source as your own. A note appears at the end. Simple hai. Dekho answer kya aayega. See, plagiarism ka aa jayega aapka third, presenting a work or ideas from another source as your own. Matlab aapka kisi aur se le rahe ho lekin aap उसको कोट नहीं कर रहे हो, उसको आप साइट नहीं कर रहे हो, कह रहे हो ये मेरा है, ये तो प्लेजरिज्म हो गया. एंड नोट का आ गया आपका अ नोट विच अपीयर्स एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट. रेफरेंस क्या होता है? कैसे आप एक्नॉलेज कर रहे हो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन यूज्ड इन द वर्क. और केस स्टडी एक स्ट्रैटेजी, एक इंक्वायरी इसी चीज में. नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड बुक्स अबाउट द वर्क्स of an author such as critical books, research papers, ठीक है, reviews, ये आ गया आपका सारा secondary sources.
प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्राइमरी सोर्सेज. यस दैट्स आल्सो ट्रू. पर क्या ये रीजन है असर्शन का? नहीं ना. अच्छा वो लिखा भी नहीं है. सो बोथ आर ट्रू. वॉट इज द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरीड आउट? कौन सा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें हम रिसर्च कैरी आउट करते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस, साइनोप्सिस, रिसर्च पैराडाइम या रिसर्च डिजाइन? नेम क्या है उस फ्रेमवर्क का? सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं है, साइनोप्सिस नहीं है, इट्स अ रिसर्च, पूरा डिजाइन है पूरे फ्रेमवर्क का जिसमें रिसर्च हम कैरी आउट करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, ये देखो कौन सी साइटेशन करेक्ट है एज पर एमएलए हैंडबुक? क्रिस्टल डेविड फुल स्टॉप मेकिंग अ पॉइंट कोलन और पूरा बुक का नाम और ये सब. क्रिस्टल डेविड फुल स्टॉप मेकिंग अ पॉइंट कोलन, ठीक है, पूरा बुक का नाम. अब देखो कि फर्क क्या है. डेविड क्रिस्टल मेकिंग अ पॉइंट ये वो सो पूरा आंसर वुड बी बी. आई थिंक चेक कर लेना, बट आई थिंक इट शुड बी बी. क्योंकि नाम है डेविड क्रिस्टल ना. आई एम जस्ट कंफ्यूज विद ऑप्शन ए एंड बी. एक बार आप प्लीज इसको चेक करना. आई कांट सी द डिफरेंस राइट नाउ, आई एम सो एग्जॉस्टेड. मुझे डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा कि मैंने बी क्यों मार्क किया था. तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ सेट का पूरा पेपर. लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया इसमें. अगर आपने चेक किया है, वी विल स्टिल वेट फॉर द आंसर. की हो सकता है देर माइट बी सम क्वेश्चन हियर एंड देयर जो हमने कुछ गलत हो सकता है किए हो, असर्शन रीजन स्पेशली उसमें पता नहीं चल पाता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो आई होप यू आर स्कोरिंग वेल. अगर आपने एग्जाम दिया है तो आई एम होपिंग कि आपने अच्छा दिया होगा. नहीं दिया है तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर ये मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको करवाया. तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो सेट के पेपर्स होते हैं उनको एज अ प्रैक्टिस पेपर हम क्लास में करें सॉल्व. चलो थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू इन द पेड क्लासेस. And also on the other YouTube and special classes. Bye bye.